ये हम लोग का नॉमेनक्लेचर का दसवां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एमाइन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। यहाँ पे कार्बन चेन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, या कार्बन चेन के साथ अमोनिया का डेरिवेटिव जुड़ा रहता है, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर एमाइन का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एमाइन बेसिकली NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है। सबसे पहले हम लोग अमोनिया जानते हैं, NH3। अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया जाए और एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो ये RNH2 ये 1 डिग्री एमाइल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट करके फिर से कार्बन चेन ऐड कर दिया जाए तो ये R2NH होता है, ये हम लोग का 2 डिग्री एमाइल है। फिर अगर हम लोग हाइड्रोजन एलिमिनेट करके और यहाँ पे अगर कार्बन चेन को ऐड कर दें तो ये R3N होगा और ये हम लोग का 3 डिग्री एमाइन होगा। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस, इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग 1 बाई 1 करके नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे यहाँ पे CH3, CH2, NH2 ये हम लोग का 1 डिग्री एमाइन है। यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है उसके एक ही तरफ कार्बन का चेन है, इसलिए हम लोग इसको 1 डिग्री एमाइन बोलेंगे। इसमें सबसे पहले कार्बन का वर्ड रूट लेते हैं, तो वर्ड रूट में हमारे पास 2 कार्बन है। इसमें ये हमारा वर्ड रूट रहा 2 कार्बन। 2 कार्बन को इस बोलते हैं सिंगल बॉन्ड मीन्स N, और ये 1, 2 पहले कार्बन पे एमाइन प्रेजेंट है तो एमाइन, इसका नॉमेनक्लेचर हुआ इथेनामाइन। इस तरह से CH3, CH2, 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 NH2 यहाँ पे हम लोग का वर्ड रूट, ये टोटल 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए हम लोग इसको N लिखते हैं, और फर्स्ट कार्बन पे एमाइन प्रेजेंट है तो इसको हम ब्यूटेन एमाइन या ब्यूटेन 1 एमाइन लिखते हैं। इस नॉमेनक्लेचर में अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 डिग्री एमाइन, CH3, CH2, NH, CH3। यहाँ पे कार्बन का लॉन्गेस्ट शेप देखेंगे हम लोग, तो कार्बन का लॉन्गेस्ट शेप इस साइड में, क्योंकि इधर 1, 2 कार्बन प्रेजेंट है जबकि दूसरी तरफ केवल 1 कार्बन प्रेजेंट है। यहां पे 2 कार्बन रहने के कारण 1, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N बोलते हैं, और इसके साथ एमाइन जुड़ा हुआ है ये इथेनामाइन। अब हमारा 1 कार्बन रह गया जिसको हम मिथाइल बोलते हैं, और ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है इसलिए हम लोग इसको एन मिथाइल इथेनामाइन। इस तरह से CH3, CH2, CH2, NH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे हमारे पास इस डायरेक्शन में 2 कार्बन 3 कार्बन 1, 2, 3 और इधर 1, 2 ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है इसलिए यह हमारा वर्ड रूट हुआ। तो वर्ड रूट में टोटल हमारा 3 कार्बन है। 3 कार्बन को प्रॉप लिखते हैं, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है N, और इसमें
एमाइन सोडा हुआ है, इसलिए हम इसको प्रोपेनामाइन बोलते हैं। अब हमारा दो कार्बन है जिसको इथाइल बोलते हैं, और ये एमाइन के नाइट्रोजन से एडेड है, इसलिए हम लोग इसको एन इथाइल प्रोपेनामाइन बोलेंगे। इस तरह से कुछ और नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। यहां पे अगर 3° एमाइन की बात करें, CH3 N CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ तीन कार्बन। तो इसमें सबसे पहले वर्ड रूट में इस चेन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, इसलिए इसको प्रोपेन लिखेंगे। अब हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको एन मिथाइल बोलेंगे, और ये दूसरा इथाइल ग्रुप है, इसको एन इथाइल बोलेंगे। लिखते समय अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए एन इथाइल को पहले लिखा जाएगा, और इसके बाद एन मिथाइल। ये दोनों एज ए प्रीफिक्स काम करेगा। तो इस तरह से ये हमारा वर्ड रूट रहा, 3 कार्बन को प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, और ये एमाइन है प्रोपेनामाइन। अब हम लोग इसको एन मिथाइल एन इथाइल, इथाइल पहले आता है, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। अगर हमारे पास ये नॉमेनक्लेचर हो, CH3N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो फिर से लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, ये हम लोग का प्रोपेनामाइन है। अब हमारे पास एन मिथाइल यहां पे भी है और एन मिथाइल यहां पे भी है, तो यहां पे हम लोग एन एन डाइमिथाइल प्रोपेनामाइन। अब अगर बेंजीन रिंग से अगर NH2 ग्रुप जुड़ जाए, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर में हम बेंजीन रिंग से ये एरोमेटिक स्पीसीज है बेंजीन, और यहां पे अगर NH2 ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो इसको एनिलीन बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसके रिस्पेक्ट में भी हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये हमारा एनिलीन हुआ, एनिलीन लिखेंगे नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकेंड कार्बन पे 1, 2, 3 कार्बन प्रोपाइल है, और फोर्थ कार्बन पे ब्रोमो है। अल्फाबेट में बी पहले आता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 4-bromo-2-propyl एनिलीन। तो इस तरह से हम लोग एमाइन को नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये एनिलीन है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये एनिलीन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको एनिलीन हम लिखेंगे। और सेकेंड फोर्थ और सिक्स कार्बन पे ब्रोमो है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई मीन्स 3,
ब्रोम। तो इस तरह से हम लोग नॉमनक्लेचर कर सकते हैं किसका, एमाइन का। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के साथ मिलते हैं।